भारत और इंग्लैंड के बीच धर्मशाला के मैदान पर खेले जा रहे पांचवें टेस्ट मैच में कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला जमकर गरज रहा है। कप्तान रोहित शर्मा इस मैच में अपना शतक पूरा कर चुके हैं। ये उनके टेस्ट करियर का 12वां शतक है। इससे पहले 11वां शतक भी इसी श्रृंखला में आया था, जब उन्होंने रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर एक बेहतरीन साझेदारी की थी। मैच में टॉस जीत के जब इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करना शुरू किया तो 218 रनों पे ऑल आउट हो गई थी। जवाब में भारतीय टीम बहुत अग्रेसिव शुरुआत कर चुकी थी, लेकिन उसके बाद यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने मोर्चा संभाला, और इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा ने फ्रंट से लीड करते हुए शुभमन गिल के साथ शतकीय साझेदारी की। ना सिर्फ टीम इंडिया को अब बढ़त दिला दी है, बल्कि अपने टेस्ट करियर का 12वां शतक भी जड़ दिया है। कप्तान रोहित शर्मा के सामने कोई भी इंग्लिश गेंदबाज टिक नहीं पा रहा है, चाहे वो जेम्स एंडरसन हो, मार्क वुड हो, या फिर शोएब बशीर या फिर टॉम हार्टले ही क्यों ना हो, कोई भी गेंदबाज उनके सामने नहीं टिक पाया है। रोहित शर्मा अपने पारी के दौरान एक बार आउट भी करार दिए गए थे अंपायर द्वारा, फिर उन्होंने अंपायर को पलट के कुछ शब्द बोले और जो माइक में रिकॉर्ड हो गए थे वो हम आपको यहां पर नहीं बता सकते हैं। उसके बाद रिव्यू हुआ और रिव्यू में देखा गया कि बॉल बल्ले से नहीं बल्कि उनके पैर से लग के कीपर के पास गई थी। उसके बाद वो नॉट आउट करार दिए गए, तब वो 50 रन पर भी नहीं पहुंचे थे। उसके बाद उन्होंने 50 जड़ा, अब शतक पर पहुंच चुके हैं। रोहित शर्मा ने भारत के लिए कुल 59 टेस्ट मैच खेले हैं, जहां उन्होंने 12 शतक, एक दोहरा शतक और 18 अर्धशतक जड़े हैं। बता दें कि कप्तान रोहित शर्मा WTC जब से शुरू हुई है तब से लेकर अब तक भारत के लिए टॉप स्कोरर हैं। ना विराट कोहली उनसे आगे हैं, ना यशस्वी जायसवाल, ना ही शुभमन गिल। तो कप्तान एक बार फिर सामने से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। टीम इंडिया ऑलरेडी ये श्रृंखला जीत चुकी है, पर ये मुकाबला जीत के श्रृंखला 4-1 से जीतना जरूर चाहेगी। आपकी क्या राय इस खबर को लेकर हमें कॉमेंट करके बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।